हेलो गाइस, और पिछली वीडियो के बाद हम आज दोबारा मिल रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर में ज्यादा ट्रिक्स हैं, कन्वर्जन के टाइप्स बहुत सारे हैं, तो हम इस चैप्टर की वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने नेमली 10 ट्रिक्स लिखी हैं और इन 10 ट्रिक्स के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी करा था, वही से हम आज कर रहे हैं कि पहले हम ट्रिक्स देखेंगे और फिर ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ट्रिक सबसे पहले क्या है? पहली ट्रिक जो है वो है 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होता है तो आप हमेशा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज, क्योंकि अल्कोहल वाला चैप्टर है, इसमें भी आएगा और अगले चैप्टर में भी आएगा, सेम टू सेम चीज। ऑक्सीडाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पीसीसी या फिर CrO3 या फिर कॉपर प्लस 573 केल्विन, इन तीनों में से किसी भी चीज को डाल के आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अभी हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। सेम टू सेम इसकी रिवर्स रिएक्शन भी होती है कि अगर एल्डिहाइड को आपने रिड्यूस कर दिया, देखो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड को रिड्यूस करा, दोबारा से अल्कोहल बन गया। ये अल्कोहल कैसे बनेगा? एल्डिहाइड से अल्कोहल उल्टी रिएक्शन, वो भी सेम ट्रिक में डाल दिए। NaBH4 या LiCl4, आपको इसको रिड्यूस करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर, रिड्यूसिंग एजेंट नीचे, रिवर्स के लिए। सेम टू सेम 2 डिग्री अल्कोहल भी, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे सेकंड वाले के, तो वो कीटोन बनता है। 1 डिग्री वाला बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला बनता है कीटोन। तो ये दूसरी है, कीटोन को दोबारा से रिड्यूस करेंगे तो बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, रिवर्स है इसकी भी सेम टू सेम। इसके अलावा एल्कीन को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसमें दो मैंने दे रखे हैं, अगर आप एरो के ऊपर देख सकते हो, H2O प्लस H2SO4 ऊपर वाले एरो में, और एरो के नीचे लिखा है B2H6 प्लस 3H2O2 इन OH नेगेटिव इन वाटर। ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो अलग चीज के लिए बनेगी, नीचे वाली अलग चीज के लिए बनेगी, बट बनेगी दोनों अल्कोहल से। तो ये दोनों अभी एग्जांपल भी करके देखिए। इसके बाद फिनॉल विद बेंजोक्विनोन, दो बार बोर्ड में आ चुका है 2019-2020। फिनॉल से बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन क्या होता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जहां बेंजीन होता है, बेंजीन ही एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, दो डबल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड ओ ऊपर, डबल बॉन्ड ओ नीचे। इसमें क्या करते हैं? Na2Cr2O7 और H2SO4 डालते हैं और ये कन्वर्ट होकर बन जाता है बेंजोक्विनोन। एक ही रिएक्शन है एनसीईआरटी में इसकी, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके अलावा आ जाता है अगला क्यूमीन से फिनॉल। अभी क्यूमीन से फिनॉल, पहली बात तो क्यूमीन ही बता दो, तो क्यूमीन जो होता है वो होता है बेंजीन पे, बेंजीन पे यहां पे लिखा है CH CH3 CH3, मतलब कुछ इस तरह से मैं इसे मिटा देता हूं, मिटा दूंगा अभी। बेंजीन पे CH, इधर भी CH3, इधर भी CH3। जब इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, ये CH जो है यहां से बॉन्ड टूटता है और COOH बन जाता है, डबल बॉन्ड जो डबल ओ है वो इसके ऊपर आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बन जाता है। और फिर इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो बॉन्ड टूटता है यहां से एक, तो और एक बॉन्ड टूटता है यहां से, तो बेंजीन के पास चला जाता है OH, बन गया फिनॉल, और जो बचा CH3 CO CH3, ये बन जाता है अलग से कीटोन, एक बाहर निकलता है। कीटोन के लिए फॉर्मेशन के लिए भी ये रिएक्शन हो सकती है, कीटोन इसमें बाहर आ रहा है। फिर आते हैं फिनॉल से ब्रोमोफिनॉल। अब फिनॉल से ब्रोमोफिनॉल दो तरह से बन सकता है। अगर आप ब्रोमीन एक्वस डालेंगे तो 2,4,6 ब्रोमो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, मैंने नाइट्रो लिख दिया, ब्रोमो लिखा था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। और अगर आप ब्रोमीन इन CH2 डालते हैं तो वो 4-ब्रोमो या 3-ब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिनॉल से एनिसोल, फिनॉल आपको पता है OH होता है, एनिसोल होता है OCH3, तो H हटा के CH3 कैसे लगाएंगे? H हटा के CH3 में आप NaOH डालो, H हटेगा, Na लग जाएगा, बेंजीन पे ONa, और फिर आप इसको CH3Br डालो, क्या होगा? Br जो है Na के साथ अलग हो जाएगा और CH3 चल जाएगा O के पास, क्या बन गया? फिनॉल से एनिसोल। फिर दीवार को मिटा देता हूं, ये तो बस बताने के लिए था। फिर आप थोड़ा सा फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक, देखो सैलिसिलिकाइड जब भी बनता है एल्डिहाइड, फिनॉल पे CHO डालता है उसको सैलिसिलिकाइड बोलते हैं, और फिनॉल पे COOH बनता है तो उसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिलिकाइड बनता है रिमर्टिमन रिएक्शन से और सैलिसिलिकाइड बनता है रिमर्टिमन रिएक्शन से और सैलिसिलिक एसिड बनता है कोल्बे से। ये दोनों नेम रिएक्शन से, मैंने आपको बताया था नेम रिएक्शन को ट्रिक में नहीं डाला, बट इस चैप्टर में इतने सारे प्रीवियस ईयर है ना इसके, कि आपको ट्रिक में कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा, तो
आपको रिमेटिमन और कोई भी तो याद ही है, उसको आप पुट करके ये बना सकते हैं। इसके अलावा एनिलीन से फिनॉल, ये भी क्वेश्चन आएगा फिर बताता हूँ, या चलो ऐसे ही बता देता हूँ, क्वेश्चन की तो राय ही बता देता हूँ। एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए एनिलीन होता है NH2 और फिनॉल होता है बेंजीन पे OH। एनिलीन क्या करते हैं, पहले डाइएसोटाइजेशन NaNO2 प्लस HCl, ये आपने सेंटमीयर में भी करी है 6 चैप्टर में, 273 से 278 के अंदर ये बन जाता है बेंजीन पे N2Cl, बेंजीन डाइएसोनियम क्लोराइड, और फिर यहां से फर्दर जाता है R तो H2O वार्म, सब रिमूव हो जाता है बेंजीन पे आता है OH। ये सिंपल रिएक्शन है, सेंटमीयर रिएक्शन भी कह सकते हैं इसे, और इजी रिएक्शन है। इसके अलावा एक और है, 1 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज कर देते एल्डिहाइड बन रहा था, 2 डिग्री को करेंगे तो कीटोन बनेगा, पर 3 डिग्री को करेंगे तो एल्कीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एल्कीन, कॉपर प्लस 573 केल्विन। तो ये कुछ 10 के करीब ट्रिक्स हैं, 10 में से ज्यादा भी, ये काफी ज्यादा चैप्टर है, ट्रिक्स बहुत सारी इसमें, तो हम इसके देख के क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर ही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं, तो एक ही करके हम क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर पर। पहला क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है फिनॉल से सैलिसिलिकेट, फिनॉल से भैया सैलिसिलिकेट, कहीं सैलिसिलिकेट दिख रहा है आपको, जी ये रहा रिमेटिवन रिएक्शन के नाम को रिमेटिवन के नाम से दे देते हैं, कन्वर्ट के नाम से दे देते हैं, नेम रिएक्शंस करोगे कन्वर्ट खुद ब खुद हो जाएगी। फिनॉल से सैलिसिलिकेट, तो फिनॉल से सैलिसिलिकेट में आपने क्या करा, फिनॉल में डाला CHCl3 क्लोरोफॉर्म, NaOH 340 केल्विन में, और डाइल्यूट HCl, यह सिंगल स्टेप में लिखा है फिनॉल से सैलिसिलिकेट। यह आया था 2020 के क्वेश्चन। फिर आया प्रोपीन से प्रोपेनॉल, प्रोपीन से प्रोपेनॉल, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। अच्छा हमें पता है जब भी प्रोपेनॉल होता है तो इसका मतलब प्रोपीन वन ऑल होता है, क्या होता है प्रोपीन वन ऑल, प्रोपीन बनाएंगे और प्रोपीन वन ऑल, अब एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, कहीं पे आपकी ट्रिक दिख रही है, एक बार देख लीजिए, आई गेस आप लोगों ने गेस कर लिया होगा ट्रिक नंबर 3। अब ट्रिक नंबर 3 में आपने कहा भैया दो ऑप्शन है, या तो H2SO4 और H2O डाल दो वाटर डाल दो, या फिर B2H6 डाल दो, B2H6 वाली रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखना जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये 1 डिग्री एल्कोहल देता है, और जब भी आप H2SO4 और H2O करते हैं तो ये मार्कोनिकोव के हिसाब से OH को बीच में देता है, नॉट मार्कोनिकोव बट यस लॉजिक वही लग रहा है, OH जाता है बीच में, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि OH हमें साइड में चाहिए, जब भी कोने में OH चाहिए, सिंपल ट्रिक, सिंपल प्लेन बेसिक भाषा में याद करना है, OH कोने में चाहिए एल्कीन से तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OH बीच में चाहिए एल्कीन से तो H2SO4 और वाटर, ठीक। आगे हम डालेंगे B2H6 प्लस 3H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव व्हिच इज द बेस प्लस H2O, और ये बन जाता है प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। एक और क्वेश्चन आता है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, कोई ये मत कहना कि प्रोपीन ऑल है प्रोपीन वन ऑल का कैपिटल कुछ नहीं, नंबर होता तो वन होता है, CH3 CH3 CHOH CH3। अब यहां पे क्योंकि बीच में लाना है इसे, हम क्या करेंगे, हम डालेंगे H2SO4 इन वाटर। अब यहां पे क्या है, वाटर का जो OH है वो चला जाएगा B यहां पे बीच में और H चला जाएगा कोने में, तो कुछ कुछ मार्कर की वजह से याद है, सेम वही बात है, तो जब H कोने में चले जाता है और जो ग्रुप है पिछले चैप्टर में बताया था कि Br जो है वो बीच में जाता है, इसमें हमने बताया कि OH जो है वो बीच में जाता है, तो प्रोपेन वन वाला और प्रोपेन टू वाला में डिफरेंस है, आपको उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन करनी है, वाटर डाल। इसके अलावा आ जाता है फिनॉल से बेंजोफिनॉल, एक बार लिखा हुआ है तो फिर भी डाल देना, फिनॉल होता है ये कुछ बेंजीन पे OH, और बेंजोफिनॉल होता है नॉट बेंजीन साइक्लोहेक्सेन ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड हो ऊपर डबल बॉन्ड हो नीचे, उसमें लिखा भी है कि क्या करना है आपको NA2 CR2 O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2S
SO4 डाल रहे हैं, फिनॉल से बेंजो को इनॉल हो जाता है। फिर मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको दो बार बोर्ड में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यहीं पे दिख रहा है, हाँ यार ये लिखा। फिनॉल में बेंजीन ओएच में अगर आप Br2 एक्वस डाल दोगे, क्या डाल दोगे, एक्वस, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन नहीं जाएगा, कन्वर्जन दे रखिए बेटा, सिंपल सी बात है। फिर क्या बोल रखा है, फिर बोल रखे इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। अब ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 6 का है, बट यहाँ पे भी यूज हो रहा है ऑल, है ना, इस वजह से। इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH से प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन मिथ इथ प्रोप नाइट्राइल मतलब CH3CH2। अगर हम देखें तो यहाँ पे साफ साफ OH को हटा के CN लगाना है, कभी ये ट्रिक मैंने लिखा है पिछले चैप्टर का है। OH को हटा के CN कैसे लगा के डायरेक्ट नहीं लगा सकते, OH को हटा के CN लगा सकते क्लोरीन, पिछले चैप्टर में SOCl2 ये पिछले चैप्टर की ट्रिक पे चल रहा है क्वेश्चन, CH3CH2Cl। अब क्लोरीन हटा के CN लगा सकते हो, दो बताए पिछले चैप्टर में, KCN डालोगे तो CN आ जाएगा, AgCN डालोगे तो NC आ जाएगा, याद है, तो ये KCN डालेंगे यहां पे और ये बन जाएगा डायरेक्टली CN, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इससे ये डाला क्लोरीन आ गया, क्लोरीन को CN में कन्वर्ट करना है, KCN डाल दो डायरेक्ट लगता है, ठीक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पर ये पिछले चैप्टर की ट्रिक भी यहां पे यूज हो गई, हमने लगा दी, हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें तो आती है। इसके अलावा रीमाटी में बात करना चाहिए, एक पूछा CH3CH2OH में आपको ये बोल दिया, यहां पे लिख देता हूं CH3CH2OH में कॉपर 573 केल्विन डाल दिया बेटा, कॉपर 573 केल्विन, एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल में, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या होता है, एल्डिहाइड, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, कितने कार्बन है, दो, दो का एल्डिहाइड क्या होता है CH3CHO, पन किया आगे ट्रिक यूज में आ जाती है भाई, सब आ जाती है ट्रिक यूज आती है। फिर और क्या है, एक और बोल दिया C6H5OH Br2 aqueous, C6H5OH बेटा बहुत प्यार से बात, C6H5 मतलब बेंजीन कंपाउंड और OH मतलब फिनॉल, फिनॉल में Br2 aqueous डालोगे तो क्या बनेगा, सिंपल है ना। अगला देखिए, प्रोपेन टू ऑल इज हीटेड विद कॉपर, प्रोपेन टू ऑल मिथ इथ प्रोप, सेम कह रहा है कॉपर 573 बेटा, प्रोपेन टू ऑल कितने डिग्री, मैं बोल रहा हूं कितने डिग्री है, प्रोपेन टू ऑल है 2 डिग्री, कितने डिग्री 2 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, 2 डिग्री एल्कोहल से, अभी बताया 2 डिग्री एल्कोहल से अगर कॉपर 573 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कीटो, क्या बन जाएगा, अबे बोलो, अच्छा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकता, यहां से एच हटेगा बन जाएगा कीटोन कंपाउंड। तो जो हम लोगों ने ट्रिक्स पढ़ी है उस पर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, ये बोर्ड के क्वेश्चन है सारे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड और एक्सपेरिमेंट, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, अभी बताया था कोल्बे का फाइनल आंसर जो होता है, इसमें डाल दिया CH3CO होल टॉइस O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, मतलब एसिड की प्रेजेंस में भाई, ये ट्रिक नहीं है, ये 10 ट्रिक्स में से नहीं है बट क्योंकि ये आगे क्वेश्चन तो हमें कराना बनता है, क्या करना होता है, ये आगे भी आप पढ़ोगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में, यहां से आप OH का H हटाओ, OH का क्या हटाओगे, H, और ये पूरा का पूरा जो CH3CO ग्रुप है वो OH पे लगा दो, इस पे लगा दोगे O पे, सॉरी H तो हट गया, तो क्या होगा, इधर तो COH है, इसको नहीं छेड़ना, ऊपर वाले O पे क्या आ जाएगा, CO CH3, CH3CO मतलब आता है CH3 कोने पे लगता, ध्यान रखना, मतलब हीरो बन गए, इसे हम कहते हैं एस्पिरिन, ठीक है। और बचा क्या, अब बचा क्या, दो थे ना CH3CO, एक तो ऊपर लग गया, दूसरा बच गया CH3CO, एक बाहर वाला ऑक्सीजन तो बच गया, और ऊपर से O के साथ से क्या निकला था, H, अभी भी आधे बुढ़ों को समझ नहीं आया, CH3CO होल ट्वाइस था, एक CH3CO हमने यूज कर लिया, दूसरा CH3CO बच गया, बाहर एक ऑक्सीजन है वो भी लगा दिया, और ऊपर O के साथ क्या हटाया था, जो ये जुड़ा H,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता है, यहाँ पे हमने सिंपल एनहाइड्राइड फिनॉल्स की रिएक्शन कराई है, ठीक। इसके अलावा फिनॉल से एनिसोल बताया था, NaO चलो ONa बन जाएगा, CH3 भी डालो, Na जो है वो Br को ले जाएगा, बचेगा क्या, एनिसोल। फिर और क्या है, फिर आपके पास है एनिलीन से फिनॉल, अभी मैंने बनाया था NH2 एनिलीन होता है, NaNO2 HCl डालो N2Cl बनता है, फिर H2 वो ये तो पहले कर चुके। फिर आ जाता है भाई बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब हमेशा ध्यान रखना बेंजीन पे CH2Cl है, से बेंजीन पे CH2OH। अब सीधा CH2 की CH2Cl लिया, CH2OH लगा रहा, बेंजीन से कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, तो आप डाल दो। पिछले चैप्टर की ट्रिक, Cl हटा के OH लगाना होता है एक्वस KOH, यहां से Cl हटता है और क्या लग जाता है OH। पिछले चैप्टर की ट्रिक्स बहुत सारी यूज हो रही है, जितने आगे चैप्टर में जाएंगे नई नई ट्रिक्स यूज होती है, पिछले चैप्टर की ट्रिक्स यूज होती रहेगी। एक और आगे ऐसा कुछ दे रखा है CH2OH, HCl और हीट। अब ध्यान रखना HCl जो है इस वाले OH को चेंज नहीं करेगा, शिफ्ट जो करेगा वो करेगा CH2OH को, CH2OH की जगह यहां पे बन जाएगा CH2Cl। तो अगर आप देखो CH2Cl से CH2OH बनाने के एक्वस की वजह से, इसकी रिवर्स रिएक्शन करने के लिए आप HCl और हीट। ये सब ट्रिक्स में इसलिए मैं लिखी है क्योंकि ये प्रॉपर्ली एक एक ही क्वेश्चन है, ये पिछले चैप्टर से भी है ज्यादा, तो आपको बस OH से Cl बनाने के लिए क्या डाल देना है, HCl और हीट। याद है पिछले चैप्टर में हम करते थे HCl + ZnCl2 Lucas reagent, वही है बस थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद आ गया ये कंपाउंड CH3 होल थ्राइस COH को हीट कर दिया, क्या कर दिया, हाँ ये कर दिया कॉपर 573। बेटा कॉपर 573 की तीन रिएक्शन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये देख लेते हैं मैंने खोल के, ये कौन सा डिग्री, इसको खोल लेते हैं कुछ इस तरह से, COH CH3 CH3 CH3, तीन CH3 है ना, फिर COH, कितने डिग्री हो गए बेटा, कितने डिग्री हो गए भाई, 3 डिग्री, 1 2 3। कार्बन OH जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। अब यहां पे ट्रिक में जो लिखा है वो बनेगा एल्कीन, क्या बनेगा, एल्कीन। और एल्कीन कैसे बनेगा, वाटर रिमूव, क्या रिमूव हो गए, वाटर का OH तो ये गया इस वाले कार्बन से, इस ये रहा OH, और एक एच तीनों में से किसी भी एक से उठा दो, मैं ऊपर वाले से एक एच कम कर रहा हूं, CH2 CH3 निकला क्या बाहर बेटा, वाटर, ऊपर वाले या तीनों में से किसी भी एक से हाइड्रोजन हटा दो और OH हटा दो, और ये हमारी ट्रिक पे एकदम से काम कर गया, ठीक है, सिंपल है। फिनॉल से टोलियम पहले भी करा था, दोबारा भी कर लेते हैं, चलो क्योंकि आप कह रहे हो तो सर सारे करा दो, देखो प्रीवियस ईयर कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल से टोलियम, टोलियम क्या होता है, बेंजीन पे CH3 डायरेक्ट टेंशन चढ़ा नहीं सकते, जिंक डस्ट डाल दो, बताया था क्या होता है, फिनॉल से बन जाता है बेंजीन, क्या बन जाता है, फिनॉल से बेंजीन, और फिनॉल से बेंजीन से टोलियम कैसे बनता है, 11th क्लास की ट्रिक है बेटा, CH3Cl डालो एनहाइड्रस AlCl3 में, ये क्या कहलाती है, फीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन से टोलियम तो आता है, फिनॉल से बेंजीन बनाने में क्या करना है, ZnO और हीट, ZnO हीट। अगला और क्या क्या है, और है एक दो 50 क्वेश्चन बचा रहे हो, क्या करते हैं ना, ये कराया नहीं कराया, थोड़ा अटपटा सा है इसलिए मैं पूरा ही बना रहा हूं। NaBH4 अगला भी लिख देता हूं, और कोई अच्छा सा नहीं, बस लास्ट की दो इस पार्ट में खत्म हो जाएगा पार्ट। NaBH4 NaBH4 LiLH4 ये रहे
ये रहे एलडीएड के टोकन को जिक्र है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना ये देखते हैं सीओ ओ सी एस टी या सीओ दिख ये वाला देखते हैं, बट बेटा ये तो एस्टर नहीं है, सी ओ ओ एक साथ ये तो नहीं। अब ये जो है फिनॉल नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन ग्रुप है बेटा। और अगर आपको पता है कीटोन ग्रुप में जब आप NaBH4 डालते हो तो क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल, क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो किस तरह से बन जाएगा, यहां पे सब सेम रहेगा CH2 COO CH3 और यहां पे OH, ठीक है। कन्वर्जन देखो बिल्कुल सिंपल है, एल्कीन में वाटर H2O डाल देंगे, H पॉजिटिव डाल देंगे तो कहीं लिखा है H2O और H2SO4 एक ही बात है ना, H2O और H पॉजिटिव का मतलब तो वही है, ये और ये रिएक्शन सेम है, ट्रिक में दे रखा है। देखो क्या बनेगा, वाटर में टूटता है तो क्या बनता है, एक जगह बीच में जाता है OH ट्रिक में लिखा है और साइड में जाता है CH2 की जगह एक और H CH3। तो ये आपकी ट्रिक दोबारा ये वाली यूज हो गई, NKBOH जाएगा बीच में, समझे। ये पूरा टॉपिक वन है, पार्ट वन है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर है, मैं एक बार साइड रहा, आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप लीजिए होगा हमेशा ले। तो बहुत पूरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ढंग से कर लो, 10 तो ट्रिक आ गई, बीच में भी और कुछ पुरानी ट्रिक्स, कुछ और नई चीजें आप लोगों ने इसमें जोड़ी है, इम्पोर्टेंट है पूरा। ये सिर्फ आधा ही चैप्टर है, पूरा चैप्टर अगली पार्ट में मिलेगा आपको, आप इसको अच्छे से शुरू कर दीजिए।